अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हमने आपको किचन स्टाइल में कलौंजी वाले क्रिस्पी नमक पारे बनाना सिखाए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक करिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चले हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम आपको कलौंजी वाले क्रिस्पी नमक पारे बनाना बता रहे हैं। ये है मैदा, व्हाइट फ्लावर, घी, बटर ऑयल, पानी, वाटर, कलौंजी, ब्लैक सीड्स, जीरा, क्यूमिन सीड्स, नमक, सॉल्ट। सबसे पहले एक हमने बोल ले लिया है, अब हम इसमें अपना मैदा डालेंगे। एक प्याली मैदा जो हमने लिया था, अब हम इसमें कलौंजी डालेंगे। सफेद जीरा, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ी और कलौंजी डालें, हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। हम इसमें अपना घी डालेंगे मेल्ट किया हुआ। थोड़ा पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए हमारा आटा गूंद चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम। कितने अच्छे तरीके से हमने आटा गूंदा है। अब हम इसको रेस्ट के लिए 15 मिनट रख देंगे। रेस्ट फॉर 15 मिनट। देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार है, अब हम इसके दो पीस बना लेंगे। देखिए हमने रोटी बेल के तैयार कर लिए। ना रोटी को ज्यादा मोटा बेलें ना पतला बेलें। चढ़ा दिए, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। देखिए हम अपने कटर की मदद से इसको कटिंग कर रहे हैं नमक पारों को। अब हम इसमें अपने नमक पारे डालेंगे। इस तरह से चमचा हिलाएं, इसमें एक दूसरे को मिले नहीं है नमक पारे एक दूसरे से बिल्कुल। देखिए हमारे नमक पारे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसको दरमियानी आंच पे तलें, एकदम तेज आंच पे मत तलिएगा, तेज आंच पे तलने से जल जाते हैं।